हवा में चाय की खुशबू, अरे वाह, आप ये चाय पी लीजिए और फिर चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैंने अपने घर जाना है ना जी, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे मेरे घर तक पहुंचने में। तू एक काम कर, तू ना लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करवा दे, सुनो सुनो सुनो, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। उससे होगा क्या कि तुझे जो घर पहुंचने से रोकना चाहता है ना, वो तुझे बड़े आसानी से रोक लेगा। अरे पगलेट, ऐसे दिन के उजाले में जाएंगे तो कोई भी हमें पकड़ लेगा। नहीं कुल्फी, तूने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी है, डोंट यू अंडरस्टैंड? पकड़ो उसे, चलो। मैंने कुछ भी करके चुपके से अपने घर के अंदर घुसना होगा। पहले तो पापा से मिलना है मैंने, उसके बाद प्यारे जी और अमीरी जी को समझाना है। अरे ये समोसा कब मंगाया मैंने? कोई नहीं, जिंदगी में धोखा खाने से तो बेहतर है कि समोसा खा लो। वाह वाह, किसी भी जगह अगर घुसना है तो वहां के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी चालू जी? हमें उस जगह के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी होगी। वहां कब कौन आता है, कब कौन जाता है, यहाँ तक कि सुबह सुबह मुर्गे की बांग से लेकर रात के खाने के बाद की डकार तक वहाँ क्या क्या होता है, समोसा खाने का काम नहीं है। समोसा खाना? कैसे खाती जी, आपने रसोई में जाने से मना किया था ना। वो वो दिल मेरा बहुत बड़ा है ना, भूल के भूल जाती हूँ। ये ले खा ले। चालू जी, तो फिर हम कब जाएंगे मेरे घर? मैंने जल्दी से जल्दी अपने घर के अंदर घुसना है जी, बहुत जरूरी है जी मेरा वहां जाना। क्या बात है, बड़ी उतावली हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहुत बड़ा खजाना छुपा हो तेरे लिए। खजाने से भी ज्यादा जरूरी है चालू जी, मेरे पापा है वहां, बस एक बार अपने पापा से मिलना। अब जल्दी ठीक हो जाओगे। बेबी, देखो आपके दादा आपकी बात सुन रहे हैं, देखो आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं, कह रहे माय प्रिंसेस आई लव यू टू। अरे हमारा, आपने उनको गुड न्यूज दी कि नहीं? गुड न्यूज दो जल्दी। एडा, आज मॉम ने SSG रिकॉर्ड्स लिमिटेड की एल्बम के लिए मेरी रिकॉर्डिंग अरेंज की है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। आई विश आप भी मेरे साथ चल पाते। मायरा, माय बेबी, आपके डैडा हमेशा आपके साथ है, आप जानते हो ना। आई गिव हिम अ बिग स्माइल। Take care.
लव यू। चलो कम लेट्स गो। सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे। आपने बताया था ना डीजे फास्ट लोकल लंदन में 1-2-3 डेज बाद आएंगे रिकॉर्डिंग के लिए। मायरा आपको याद है आपके दादा ने हम सबके लिए म्यूजिक रूम में एक गाना गाया था विजयलक्ष्मी जी का दैट फर्स्ट सॉन्ग ही सैंग। आप आज को वो गाना रिकॉर्ड करोगे। हाय मॉम वो तो कुल्फी गाने वाले थे ना, डैडी ने अनाउंस भी किया था। आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? अमायरा बेटा तुम्हारे डैड को उस कुल्फी ने ना मौत से भी बदतर पनिशमेंट दी है, इस बात को कभी मत भूलना। अमायरा सुनो मेरी बात, ये भी कुल्फी आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई इमोशनल रिलेशन भी नहीं है, वो आपकी बहन नहीं है बेबी, ना ही कभी थी, समझ रहे हो? उससे ना ही हमारी पड़ी है, ना सिकंदर की, ना आपकी, ना मेरी, किसी की नहीं, सिर्फ अपनी। देखो उसने आपके डाडा के साथ क्या किया, डाडा किस हालत में है। वेरी सैड। अमायरा SSG रिकॉर्ड्स लिमिटेड और विजयलक्ष्मी जी के फर्स्ट सॉन्ग पर आपका हक है अमायरा, क्योंकि आप अपने डाडा की ट्रू डॉटर हो ना। अभी भी लगता है कि कुल्फी को गाना चाहिए फर्स्ट सॉन्ग? No way, mom. वो सॉन्ग मैं ही गाऊंगी। That's my girl. चलो, let's record it. Bye, all the best. किस चीज का सर्वे करने आई है आप? इस एरिया के लोगों की खुशहाली के लिए सरकार सर्वे करा रही है, यानी कि हम जितनी जानकारी हासिल कर पाएंगे लोगों की, आप समझिए कि हम उतनी ही सेवाएं उन्हें दे पाएंगे। जितनी जानकारी मेरे पास होगी उतना ज्यादा बड़ा हाथ मैं मार पाऊंगी। मैडम आप चाहती क्या है हमसे, वो तो बताइए ना। आप ये बताइए कि इस बिल्डिंग के कौन से माले पे कितने लोग रहते हैं। मैडम इस बिल्डिंग में पूरा दिन बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ऊपर से वो फलाना dimka.com वालों ने बहुत परेशान करके रखा है, ऊपर से आप परेशान मत कीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनिए, मैं प्लीज जाइए यहाँ से। मॉम विजयलक्ष्मी जी का सॉन्ग गाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वोकल्स की जरूरत है, तो कुल्फी के पास है? अरे श्योर मैं ये सॉन्ग गा पाऊंगी। मायरा बेबी आपसे जैसे बनता है आप वैसे गा दो। देखो आजकल कंप्यूटर्स और ऑटो ट्यून का जमाना है, कोई भी बेसुरा सिंगर ना सुरीला साउंड करता है, और आप तो फिर भी अच्छा गाते हो, सो डोंट वरी। ओके इट विल ऑल बी फाइन। पानी चाहिए? नहीं नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस बिल्डिंग में पानी कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। अरे मैडम इस बिल्डिंग को देखा है एक बार आपने नजर उठा के? इस बिल्डिंग में पूरा दिन 24 घंटा पानी आता है, अभी ठंडा गर्म दोनों। अब आप ठंडे ठंडे में जाइए, हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा। नहीं तो एक बार अंदर घुस गई तो किस्मत बदल जाएगी चालू, खजाने की खान है ये बिल्डिंग, लूट ले। मैडम बोला ना आपको जाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे? वाओ मॉम मेरा वो सॉन्ग विजयलक्ष्मी जी वाला वो कितना हिट हो गया है, सी मिलियन व्यूज। बेबी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आपके लिए एक और सरप्राइज है, आओ इधर। रेडी? सिंगिंग सेंसेशन बनोगे आप इस कंट्री की, मेगास्टार बनाऊंगी मैं आपको। और आपको पता है आपकी मॉम ने क्या किया है?
आपकी मॉम ने आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है हमारा। शेली? Yes, very big concert. बहुत सारे लोग आएंगे। आपको पता है सब किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? जिमी गासदार अंकल की वजह से। What? जिमी अंकल इस सब में आपके साथ है? पर मॉम जिमी अंकल डैड के साथ हमारे साथ कितनी बैड चीजें की है ना? मायरा माय बेबी सुनो, कभी कभी इंसान से ना गलती हो जाती है, ओके? जिमी अंकल से भी हो गई है ना, हमें सबको सेकंड चांस तो देना चाहिए ना। एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस मायरा, स्पेशली जब वो सॉरी होते हैं उस बात के लिए, स्पेशली जब उन्हें अपनी मिस्टेक समझ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ में मायरा। आपको पता है आपके डैडा की ऐसी हालत देख के जिमी अंकल को बहुत बुरा लगा, एंड ही वाज सो काइंड कि उन्होंने हमारी हेल्प करनी चाहिए। और हम भी ऐसी सिचुएशन में, बेबी हमें हेल्प की जरूरत है ना, अभी हमारे पास भी अभी डाटा नहीं है ना हमारी हेल्प करने के लिए, तो किसी को तो करनी होगी ना मायरा। जिमी अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं मायरा, उनका सॉरी भी माफ हो जाएगा और हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, फाइनली सब काम स्मूथली होगा। क्या मैडम, अब आपको ये सर्वे करना है कि इस गार्डन में हर महीने पौधे कितने उगते हैं? पौधे क्या, पूरा जंगल खरीद लूंगी, इतना बड़ा हाथ मारूंगी इस बिल्डिंग में तो। देखिए मैडम, पिछले 15 दिनों से आप कुछ ना कुछ उलझुल बात के लिए सर्वे करने आ जाती है। अरे वो फलाना ढिमकाना.com वाले के कम थे जो आप परेशान करने लगी हमें दिन भर। ये फलाना ढिमकाना.com क्या है? अरे मैडम वही जो आजकल फैशन चल रहा है, बाजार कोई जाता नहीं है, घर का सामान हो या खाना सब इधर उधर .com से मंगाते हैं, और कुरियर वाले हमें परेशान करते रहते हैं और पूरा दिन किसी न किसी घर से अंदर बाहर करते रहते हैं। पंद्रह दिन हो गए चालू जी, अब मैनू चूरन मत चटाओ, मैनू साफ साफ बता दो, अब मैनू मेरे घर के अंदर पहुंचा पाओगे या नहीं? चालू जी अब मैनू कुछ भी करके अपने बाबा से मिलना है, बस मिलना है जी, मैं आपको समझा ही नहीं सकती चालू जी, वहां जाना मेरे लिए कितना जरूरी है। ओ कुल्फी, ये पीकू पिक्चर के अमिताभ बच्चन जैसे तो क्यों बड़बड़ा रही है? जी वो कुछ नहीं, मैंने पूछना था आप मैंने मेरे घर पे कब लेकर जाओगे? आज रात को। सच्ची चालू जी, आप पक्का मेनू पहुंचा दोगे ना? चालू चपाती बातें नहीं बनाती, बोल दिया तो बोल दिया, समझ में आई? मैंने थैंक यू चालू जी। दूर 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 दूर, समझाया ना मैंने तुझे चालू का फंडा, नो झप्पी उप्पी, नो सेंटीमेंटी। मैं ताल पिक्चर के अनिल कपूर जी जैसे दर्द बेचती हूँ, खरीदती नहीं। अरे चालू जी, ये मुन्ना भाई वाले संजू जी के जादू की छप्पी है, लेके तो देखिए। दूर 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 रे, दूर रे। चालू जी पर आपको सच में मजा आएगा। दूर रे मुझसे, दूर रे। चालू जी प्लीज प्लीज चालू जी, चालू जी दूर रे, दूर। टच मत कर मुझे बस। चंगा जी कोई कर ले, मैं फटाफट तैयार होके आती हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है उस घर में जिसे पाने के लिए ये उतावली से ज्यादा बावली हो रही है। डैडा आज मेरा कॉन्सर्ट था, एंड यू नो सारी टिकट सोल्ड आउट, कॉन्सर्ट एकदम सुपर हिट हो गया। आई विश आप भी मेरे साथ होते डैडा, लेकिन आई नो आप हमेशा मेरे साथ हो। डैडा मॉम ने मेरे लिए 15 डेज में कितना कुछ कर दिया, और आपको पता है मैंने कॉन्सर्ट में विजयलक्ष्मी जी का गाना गाया था, Everybody just loved it। अब रेस्ट करो, गुड नाइट, लव यू। बहुत गलत कर रही हो लवली, मायरा के साथ भी और कुल्फी के साथ भी। कुल्फी वाई क्यों नहीं यहां, कहां है तुम्हारी बच्ची?
ये जो का पार्सल आला है। इतनी रात को भी पार्सल? क्या यार, चैन से जीने दोगे या मर जाए हम? अमीर लोगों के पार्सल आने का कोई टाइम नहीं होता, और ये तो मुंबई है, यहाँ आधी रात को सवेरा होता है, समझा? हाँ ठीक है, समझ गया, जा लेके जा अंदर। जब बात चालू, चल शुरू हो जा, दुनिया की ठाट ठाट ठा लूट मचा दे। हाय बाबा। जो चीज के लिए तू आई थी, तुझे वो चीज मिली है नहीं? तू खड़ी क्या है, जा ढूंढ। कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। चोर, मेरे घर पे चोरी करेगा, मेरे घर पे चोरी करेगा। अभी देखती तुझे, अभी देखती हूँ तुझे। Bye 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 bye.
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।